Hello everyone and welcome to my channel. तो अच्छा एक मिनट में फैन बंद कर देती हूँ, शायद आप सुन रही आवाज़। चलिए मैंने आप लोग के लिए फैन बंद कर दिया जबकि बहुत गर्मी है। मैं सच बताऊँ तो जैसा आपने मेरा टाइटल पढ़ा होगा कि 5 से 10 मिनट लेट हो गए और बेटी मेरी अब तक घर पे नहीं आई है, तो समझ सकते हो कि 5 से 10 मिनट ज़्यादा हो गए, बेटी मेरी घर पे नहीं आई है। पता नहीं क्या हुआ, कहीं स्कूल में कुछ तो नहीं हुआ है? जो स्कूल से घर आ रही तब तो कुछ नहीं हुआ। ये एक जो टाइटल था ना, ये एक बेटी के लिए नहीं है, ये पूरी बेटियों के लिए, हर बेटी और हर माँ बाप के लिए। हर माँ बाप यही सोचते हैं, जो मैंने ये लिखा है ना, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि 5 से 10 मिनट भी ज्यादा हो जाए ना तो हमारे अंदर एक डर होता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। वो जब तक बेटी घर पे ना आ जाए आपको चैन नहीं आती, आप ना चैन से कुछ खा पाते हो ना बैठ पाते हो, कहीं ना कहीं दिमाग आपका चलता रहता है, कभी आप बोल जाते हो कभी नहीं बोलते हो, लेकिन ये घुटन हमारे साथ चलती रहती है। क्यों? क्या आज हमारी बेटियां खुल के बाहर जा नहीं सकती? क्या वो 5 से 10 मिनट ज्यादा कहीं बाहर घूम नहीं सकती? नहीं घूम सकती, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी नहीं छीनना चाहते, लेकिन क्या करे, माहौल ही ऐसा हो गया, डर ही ऐसा बैठ गया है ना। और ऐसे करने वाले करते रहते हैं, करने वाले आराम से करते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, हम कैंडल जला देते हैं चौराहे पे, बहुत बड़ा काम करते हैं हम कैंडल जलाकर। इससे जो है बेटियों को इंसाफ मिल जाता है, इंसाफ तो क्या मिलेगा, कैंडल जलाने से इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि पता है क्या होता है, कैंडल वालों की ना आमदनी अच्छी खासी हो जाती है, यही एक फायदा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। मेरी भी बेटी है आज, चाहे वो 5 साल की भी ना हो, लेकिन डर मेरे भी अंदर वही है जैसे कि हर माँ बाप के अंदर होता है, क्योंकि अब हाथ से उम्र भी देख कर नहीं होते ना। 4 साल की आपकी बेटी है तो भी यही डर है, 24 साल की है तो भी यही डर है, 40 साल की एक औरत है तो भी यही डर है, क्योंकि ये जो चीजें है ना बहुत कॉमन हो गई है। कुछ बातें पता चलती हैं और हजारों बातें नहीं पता चलती, हजारों हादसे पता ही नहीं चलते, किसकी गलती है? ये हम पूरे समाज की गलती है, हर किसी की गलती है। और हमारी ये भी गलती है कि हम अपनी बेटियों को घर के काम सिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ना कि ये कि हमें उनको खुद से कैसे प्रोटेक्ट करना है उस चीज की ट्रेनिंग दे। हाँ, तुम्हें बड़े होकर खाना अच्छा बनाना है और एक घर में जाकर शादी करके रहनी है, खाना बनाना है और घर जाकर घर संभालना है, वो तो काफी लंबा टाइम है, इस बीच का जो टाइम है अपनी बेटियों को कैसे सेफ रखोगे? इसके लिए अपनी बेटी को ट्रेनिंग दो, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करे इस चीज की शिक्षा दीजिए। घर में खाना बनाना ही जिंदगी नहीं होती, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है, या मार्शल आर्ट है या कोई भी चीज है, कैसे आप बाहर जाओ, कैसे किसी से बात करो, कोई आपसे बात कर रहा है तो बात करो या ना करो, ये सारी छोटी छोटी चीजों को बताना हमें। और ये बात एक लड़की की नहीं है, चाहे वो बच्चे कोई भी हो, आजकल तो किसी के साथ भी हादसा हो रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या अनजाने लोगों से आपको बात करनी चाहिए या नहीं। बाकी देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे ऐसे कोई ना समझे नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हादसा हो जाता है, बट हमारी तरफ से हमें इस चीज़ के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज़रूर मार्शल आर्ट हो गया, जो भी चीज़ इस तरीके की रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है एक्टिविटीज़, हमें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। बाकी चीज़ें सब बाद में आती है, एजुकेशन
ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का डर निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों पे ध्यान दीजिए और उनके बदलते एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। मैं बार बार, पहले भी मैंने कोशिश किया था कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं लेकिन नहीं बना पाई थी। उनकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी टीन एजर बच्चे भी कुछ कर जाते हैं छोटे बच्चों के साथ, तो आप अपने बच्चों का भी बदलता हुआ एक्टिविटीज़, मतलब उनकी क्या हाव भाव है उसको आप ध्यान रखो। कि बच्चे अगर फ़ोन लेकर बैठते हैं तो फ़ोन में देखते क्या है, क्योंकि वही आपकी छूट, वही बच्चा आगे चलकर कुछ ना कुछ करता है। तो हमें अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि वो बाहर क्या कर रहा है, उनके फ्रेंड्स क्या है, घर पे आता है तो उसके उसका मतलब मूड क्यों अपसेट है, हमें ज़रूर जाननी चाहिए। और मैं क्या बोलूँ, हर मतलब कॉमन हो गया ना, अभी जिस मैटर पर मैं बात कर रही हूँ, मधु जिसका कर्नाटका में ऐसा सब कुछ हो गया, रेप हो गया, जला दिया और फिर उसको मार दिया, मतलब किसी तरीके से भी उस पर रहम नहीं की गई। तो ये पता नहीं कितनी निर्भया आती रहेंगी और मरती रहेंगी, जलती रहेंगी, कटती रहेंगी। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आज उस लड़की के माँ बाप से पूछो कि उस पर क्या बीत रही होगी। उसने अपने पेरेंट की खुशी के लिए कि मुझे कुछ बनना है, उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पे उस लड़की की क्या गलती थी, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। पता नहीं आजकल लोगों की, मुझे लग रहा है सज़ा ही देने का तरीका गलत है। मैं तो कहती हूँ पब्लिक के हाथों छोड़ दो, फिर वो आप खुद से सज़ा दे देंगे ऐसे लोगों को। जिस तरीके से हम कैंडल जलाने के लिए एकजुट हो जाते हैं ना, सज़ा देने के लिए हो जाएंगे ना, जिस दिन कोई दोबारा ऐसी गलती करेगा नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों का ख्याल रखो, उन पे जितना हो सके, उनको जितनी ट्रेनिंग हो सके आप दीजिए, ताकि वो खुद को, भगवान ना करे कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको अपने शादी करके अपने घर जाना है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सके। बेटियां भी इंसान होती है, वो सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुई है कि उनको शादी करना है और किसी इस घर से जाकर किसी और के घर में काम करना है। वो ज़िंदगी जीने का भी उनको इतना ही हक है जितना कि लड़कों को। हमें अपनी बेटियों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें किसी भी छोटी मोटी हादसों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। बस यही कहना था, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर और गुस्सा हर एक इंसान में होता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं। बेटी हो क्या, किसी के साथ भी हो सकते हैं। मैंने बोला ना, उम्र का अब कोई वो नहीं रह गया, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मिडिल एज की वुमेन्स हो या ओल्ड वुमेन हो, हर किसी के साथ हो रहा है हादसा। तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आप अलर्ट रहो, ध्यान रखो। किसी से भी आप फ्रेंडशिप करते हो, इतनी जल्दी किसी पे भरोसा मत कीजिए। आप जो ऑनलाइन फ्रेंडशिप करते हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखो, क्योंकि आप नहीं जानते किसी को, कौन क्या है, किसके दिल में क्या है। इतनी जल्दी किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करते। अपने पेरेंट को ज़रूर बताइए, अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो अपने माँ बाप को बताना आपका फ़र्ज बनता है, ताकि उनको पता हो कि आप किन से बात कर रहे हो, वो इंसान कहाँ का है, कैसे है। हमें ध्यान रखना खुद का खुद पड़ेगा। और आप मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों से प्यार से पूछा कीजिए कि उनके कौन से फ्रेंड्स हैं, क्या है। डांटने के बजाय, चिल्लाने के बजाय उनसे एक दोस्त की तरह बात कीजिए, ताकि वो आपको हर बात बता सके। बस यही कहना था और यही विश करूँगी कि आगे कोई ऐसी चीज़ ना हो कहीं, क्योंकि तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है जब किसी के साथ होता है। इंसानियत के नाते बहुत तकलीफ़ होती है। बस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए सबके पास, और
बाकी चीज़ें आपकी मर्जी। बाय, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Every single day.